खम्मा गणिसा, आप सभी को मेरे YouTube चैनल में बहुत ही स्वागत है। आज दशा माता का 10वां दिन है, तो आज हम दशा माता पूजने जा रहे हैं, मैं और मेरे सासू जी। और सुबह मौरत जल्दी ही था, 6 बजे, 6:30 बजे से 8 बजे तक, तो मैं और मेरे सासू जी निकल गए हैं। और जहां हम रोज़ कथा करते थे दशा माता की, पहले वहां पूजा करके फिर दशा की पीपल पे जाएंगे। हम दशा की पीपल पे पहुंच चुके हैं, हम जल्दी ही आ गए थे, तो अब कुछ कुछ लेडीज़ आ गए थे पूजा करने के लिए। फिर मैंने पूजा करनी स्टार्ट कर दी, जल के छींटे दिए, कुमकुम मेहंदी का टीका करा, दही चढ़ाया, अक्षत चावल चढ़ाए और ये सब कुछ किया। फिर पूजा करने के बाद में पथवारी माता को ढूंढते हैं, 5 छोटे छोटे पत्थर ढूंढते हैं, वो बच्चे का स्वरूप माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है। फिर मैं, देखिए इतनी सारी लेडीज़ आ चुकी है, फिर मैं यहाँ आके वो पथवारी की पूजा करती हूँ, मैं और मेरे सासू जी। ये मैं पूजा कर चुकी हूँ, उसके बाद में फिर सती माता की भी पूजन होता है, तो फिर सती माता पूजने निकल गए थे हम। और फिर ठाकुर जी के मंदिर आकर ये तुलसा जी की पूजा करी। फिर मैंने जो भाई बनाया था, मतलब एक भीम को भाई माना जाता है, उसके गले मिलते पूजा करते हैं। उसके बाद में फिर मैं और मेरे सासू जी दशा माता की कहानी सुनने के लिए बैठ गए थे, यहाँ सभी लेडीज़ कहानी सुन रहे थे बैठ के। फिर हमारी कहानी ख़त्म होने के बाद में हम सब डांस करने लग गए, क्योंकि कहानी ख़त्म होने के बाद डांस किया जाता है। फिर मैं और मेरे सासू जी घर निकल गए, और घर निकले तो फिर बीच में गोबर आता है, तो गोबर की भी पूजा ज़रूर की जाती है, तो हमें गोबर भी मिल गया था, तो हमने पूजा करी, पुष्प डाले उन पे, और उसके बाद में गाय की पूजा करी। और फिर उसके बाद में मैं अपने घर आकर स्वास्तिक बनाकर अंदर प्रवेश करती हूँ। आप सभी को मेरा ये YouTube चैनल पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक शेयर कीजिए। खम्मा गणिसा।